हमारे संपूर्ण देश में मुस्लिम धर्म में ताजिया बड़े ही मातमीय माहौल से निकाला जाता है। आइए ताजिया क्या है और मुस्लिम धर्म में मातमीय माहौल से ताजिया क्यों निकालते हैं, इसकी खास रिपोर्ट सोनू खान आपको बताएंगे। सोनू खान जी, ये बताइए जो आपके मुस्लिम धर्म में मातमीय ताजिया मनाए जाते हैं देशवासियों के लिए क्या संदेश देते हैं? तो सर, ये पहला ये है, हिजरी सावन का पहला महीना होता है मुहर्रम। जी जी। इसके साथ ही इस्लामिक कैलेंडर के नए साल की भी शुरुआत होती है। जी। इस महीने को शहादत के महीने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस महीने इमाम हुसैन ने धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। और इस महीने के शुरुआती 10 दिनों को अशुरा कहा जाता है। जी। इन दिनों इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम और शोक मनाया जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाचार सोनू खान के अनुसार बताया गया है, मुहर्रम का महीना संदेश देता है कि युद्ध केवल रक्त बहाता है, इसलिए हमारे हर धर्म जाति को अमन और चैन से रहने के लिए प्रेरित और संदेश देता है। Yeah.